नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना के होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे अनवांटेड हेयर्स यानी कि हर्सुटिज्म के विषय में और आपको बताएंगे इसको दूर करने की 15 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। बहुत परेशान रहते हैं हम लोग की माताएं बहनें, खासतौर से छोटे उम्र की लड़कियाँ, क्योंकि उनके अनवांटेड हेयर आने लगते हैं उनके चेहरे पे, उनके सीने पे, उनके लिप्स पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं। वह उसका बार बार थ्रेडिंग कराते हैं लेकिन वो कारगर नहीं होता, समस्या बढ़ती जाती है, वो डिप्रेस रहने लगते हैं। तमाम ऐसे मरीज हमारे क्लिनिक आते हैं। होम्योपैथी में हर्सुटिज्म को दूर करने की बहुत कारगर दवाएं हैं, थोड़ा वक्त लेती हैं लेकिन वह इस समस्या को ठीक कर देती हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हर्सुटिज्म के सिम्टम्स क्या होते हैं। हर्सुटिज्म साथियों या अनवांटेड हेयर की कंडीशन उस जब होती है तो नॉर्मल महिलाओं के महीन से रोए होते हैं, वह एक सही बात होती, कॉमन बात होती, नॉर्मल बात होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू एंड्रोजन हार्मोन के ज़्यादा बनने से, मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं जब या फीमेल में ज़्यादा बनने लगते हैं तो जो है उनके हार्ड डार्क ब्राउन और थिक हेयर निकलने लगते हैं। यह जो हेयर की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वह हार्ड हो, थिक हो और डार्क ब्राउन हो, इस तरह के हेयर जब फेस पे, चेस्ट पे या बैक पे निकलने लगते हैं, पीठ पे निकलने लगते हैं, तो वह एक हर्सुटिज्म या अनवांटेड हेयर की कंडीशन में आ जाते हैं और व्यक्ति को डिप्रेस करते हैं। अब साथियों, इसके कारण हर्सुटिज्म उस स्थिति में होता है कि जब आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। नॉर्मली होता क्या है, फीमेल्स के जो है फीमेल सेक्स हार्मोन और मेल सेक्स हार्मोन दोनों सिक्रीट होती हैं। एक स्थिति तब आती है जब जो मेल सेक्स हार्मोन यानी कि एंड्रोजन ज़्यादा सिक्रीट हो जाते हैं। जब यह कंडीशन किसी भी महिला में आ जाती है तो उसके अनवांटेड हेयर और तमाम मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने लगते हैं। यही वह स्थिति होती है जो मेल सेक्स हार्मोन फीमेल में ज़्यादा प्रोड्यूस करने की जो कंडीशन होती है, यही हर्सुटिज्म का कॉज होता है। इसी के कारण अनवांटेड हेयर होते हैं। अब साथियों, हम आपको बताएंगे इस समस्या जो कि एक डिप्रेसिंग रीज़न बन जाता है लाइफ का, इसको दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवा। उससे पहले साथियों, हम आपको बता दें यह दवाएँ आपकी जानकारी के लिए है। कोई भी दवा, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस का मामला होता है, तो कोई भी दवा बिना किसी कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें। हो सकता है आपके सिम्टम जो दवा हम बता रहे हैं इससे भिन्न हो और यही दवा आपको नुकसान भी पहुंचा दे। यह सिर्फ एक प्रयास है आपका होम्योपैथी को करीब लाने का, आपको होम्योपैथी के विषय में अवेयर करने का। अब साथियों, बढ़ते हैं अपने सफ़र पे और आपको बताते हैं आपकी समस्या को ख़त्म करने की यानी अनवांटेड हेयर को ख़त्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। सबसे पहली दवा साथियों होम्योपैथी में या स्थिति जो बनती है वह होती है जब आपके अपर लिप और चिन पे अनवांटेड हेयर होते हैं। तो जब आपके अपर लिप और चिन पे अनवांटेड हेयर हों, उस कंडीशन में होम्योपैथी में अनवांटेड हेयर को दूर करने की सबसे अच्छी दवा ओलियम जैक है। आप ओलियम जैक 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार थोड़े लंबे वक्त तक ले लें। आप देखेंगे जो आपके अपर लिप और चिन पे अनवांटेड हेयर आ रहे हैं उनमें कमी आने लगेगी, धीरे धीरे वो कम होने लगेंगे और एक दिन आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर एक कंडीशन आती है साथियों कि अगर आप अपने को, महिलाएं जो हैं वह अपने को बिल्कुल मैस्कुलिन महसूस करती हूँ, मतलब मर्दाना महसूस करती हूँ, कद काठी की खूब मसल्स उनकी बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनी हों, हट्टे कट्टे जिसे कहते हैं पंजाबी भाषा में, हट्टे कट्टे हों और जो है उनके अनवांटेड हेयर आ रहे हों, अगर यह स्थिति आप में है तो इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कॉर्टिकोट्राइफेनम। कॉर्टिकोट्राइफेनम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकती हैं जब आप अपने को मैस्कुलिन कद काठी का बड़ा मजबूत महसूस करती हों और आपके अनवांटेड हेयर आ रहे हों, यानी मेल हार्मोन बहुत ज़्यादा आपके एक्टिव हों, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट। फिर एक स्थिति आती है साथियों महिलाओं में, फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस की। जब आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए यानी आपको पीसीएस की शिकायत होने लगे, आपका पीरियड लेट होने लगे, पीरियड डीरेंज हो जाए, यह कंडीशंस अगर आप अपने में पाने लगें तो आप जान लें आपको
अनवांटेड हेयर दूर करने की सबसे कारगर दवा होम्योपैथी में सीपिया है। आप सीपिया सक्कस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उसी स्थिति में ले सकते हैं जब आपको PCOS या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत है, आपका पीरियड लेट आता है और कम वक्त तक आता है, आप थोड़ा दुखी रहते हैं, आपको रोने की सेंसेशन होता है, रोने का दिल करता है और आप थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में दुबले पतले हैं, या स्थितियाँ यदि आप अपने में देखें तो सीपिया सक्कस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेने से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है। यह विकल्प आप एक्सरसाइज करें, आप फायदा पाएंगे। फिर एक कंडीशन साथियों आती है कि आपके अनवांटेड हेयर हैं और आपकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा हैं। अगर यह कंडीशन आप में है और आपको अनवांटेड हेयर उसके कारण हो रहे हैं तो उस स्थिति में अनवांटेड हेयर को दूर करने की सबसे अच्छी दवा फॉलिकुलाइनम है। आप फॉलिकुलाइनम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगी कि आपका जो डीरेंज मेंसेस है वो भी ठीक हो गया और आप अपने को बेहतर महसूस करने लगी। फिर एक स्थिति साथियों आती है कि जब आपको ओवेरियन सिस्ट हो गया हो, ओवेरियन सिस्ट के साथ आपके बहुत सारे फेशियल हेयर आ रहे हो या चिन पे हेयर आ रहे हो, फेस पे आ रहे हो, चेस्ट पे आ रहे हो, बैक पे आ रहे हो, या कंडीशन साथियों अगर आप अपने में पाते हैं कि ओवेरियन सिस्ट है और आपके अनवांटेड हेयर आ रहे हैं, उस कंडीशन को दूर करने की सबसे अच्छी दवा उफोरियम है। आप उफोरियम 3x पावर में 2-2 टैबलेट दिन में 4 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका ओवेरियन सिस्ट भी ठीक हो गई और आपका अनवांटेड हेयर भी सही हो गया, आप उससे भी तनाव से बाहर निकल आए। बशर्त है दवा लेने पे थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सा धैर्य रखें। फिर साथियों एक कंडीशन आती है कि आपके लिप्स के ऊपर, सबसे कॉमन कंडीशन जो है आपके होठों के ऊपर अनवांटेड हेयर आ गए, तो अगर यह कंडीशन आप अपने में देखते हो कि आपके अपर लिप्स के ऊपर पे ऊपर अनवांटेड हेयर आ रहे हो, तो उस स्थिति को दूर करने की सबसे अच्छी दवा नेट्रम्यूर है। आप नेट्रम्यूर 1 एम्पावर में 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें, आप देखेंगे कि आपका यह जो समस्या है अपर लिप पे अनवांटेड हेयर की, यह धीरे धीरे खत्म हो गई। थोड़ा समय लगेगा लेकिन यह दवा कारगर होगी। फिर साथियों एक और कंडीशन आती है, कुछ महिलाएं होती हैं जो बड़ी डोमिनेंट टाइप होती हैं, मतलब उनमें डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा होती है और कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप अपने जीवन में थॉट्स में कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत देख रही हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब गर्मी है लेकिन एसी चलाने का मन नहीं कर रहा है, सर्दी है लेकिन कंबल ओढ़ने का नहीं चाहते हैं, भूख लग रही लेकिन खाना खाने का मन नहीं है, तो इस तरह के अगर कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स आप में हो और मेंटली आप बहुत तनाव में रहती हो, बहुत ग्रस्त रहती हो, तो होम्योपैथी में अनवांटेड हेयर को उस स्थिति को दूर करने की सबसे कारगर दवा इग्निशिया है। आप इग्निशिया हमारा 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप पाएंगी कि आप ठीक हो गई और आपके अनवांटेड हेयर जाने लगे। फिर एक कंडीशन आती है कि बहुत मोटी महिलाएं हैं, फेयर फैट एंड फ्लैबी हैं, मोटी हैं, गोरी हैं और थोड़ी थुलथुल हैं और उनके अनवांटेड हेयर आ रहे हैं, तो अगर आप अपने को इस कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं और उससे आपको अनवांटेड हेयर आ रहे हैं, तो इसको होम्योपैथी में दूर करने की बहुत अच्छी दवा कैल्केरिया कार्ब है। कैल्केरिया कार्बोनिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं कि जब आप फेयर फैट एंड फ्लैबी हों, आपके सर से बहुत पसीना आता हो, आपको थकान बहुत जल्दी हो और आपके चेहरे, चेस्ट या बैक पर अनवांटेड यानी हार्ड ब्राउन हेयर्स आ रहे हों। फिर साथियों किसी में यह सिम्टम पाया जा रहा हो कि उसका डेवलपमेंट स्लो हो, यानी लेट लर्निंग टू वॉक हो, लेट लर्निंग टू टॉकिंग हो, सब कुछ उसके जीवन में लेट हो रहा हो, डेवलपमेंट लेट हो रहा हो, डिलेड डेवलपमेंट हो, यह स्थिति हो साथियों और साथ में अनवांटेड हेयर हो, तो उनको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा ब्राइटा कार्ब है। ब्राइटा कार्ब 32 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकती हैं। आपको अगर यह सिम्टम डिलेड डेवलपमेंट का सिम्टम आप में पाया जा रहा है तो यह दवा ब्राइटा कार्ब 30 आपको बहुत लाभ दे देगी, बहुत कारगर रहेगी और आपको ठीक कर देगी। ये साथियों को दवाएं थी अनवांटेड हेयर के विषय में। हमारा प्रयास है कि आपको होम्योपैथी में दवाओं की जानकारी हो, इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। आपके अगर ये शिकायत है तो आप किसी कुशल चिकित्सक को दिखाएं और उसकी सलाह से ही दवा लें, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 94157386380 या नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन को लिखकर पोस्ट कर सकती हैं। कोशिश करूंगा कि आपको आपकी बात का संतोषजनक, कारगर और प्रैक्टिकल जवाब दे पाऊँ।
अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को औरों को शेयर करिएगा, उन तक भी होम्योपैथी पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा के सबसे पहले सबसे नए हमारे वीडियो पाते रहिएगा। आपका इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।